नमस्कार, मैं हूं मयंक सक्सेना। स्वागत है आपका इंडियन न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। सत्संग के दौरान मची भगदड़, 27 लोग मारे गए। खबर उत्तर प्रदेश के हाथरस से है, जहां बहुत बड़ी दुर्घटना हुई। सत्संग के दौरान भगदड़ में 27 लोग मर गए, जिनके लाशें एटा जिला हॉस्पिटल में पहुंची। राजेश कुमार सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, ने इसकी पुष्टि की। मरने वालों में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं। मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। घटना दोपहर के पहले की है, लेकिन लखनऊ में ट्रांसफर पोस्टिंग में व्यस्त डीजीपी मुख्यालय को इसकी सूचना बाद में लगी। इंडियन न्यूज 28 के लिए ब्यूरो चीफ राकेश जैन की रिपोर्ट। और सिकंदरा राव के पास हाथरस जनपद में एक मुगलगढ़ी गांव है, वहां पे भोले बाबा का प्रोग्राम चल रहा था। ये जो सूचना प्राप्त हुई है, उसमें भगदड़ से लोगों की डेथ हुई है। हमारे यहाँ एटा हॉस्पिटल में अब तक 27 डेड बॉडी आ गई है, जिसमें 23 महिलाएं हैं, 3 बच्चे हैं और 1 पुरुष की डेड बॉडी है। और कुछ लोग घायल भी आए सर? घायल अभी नहीं आए हैं। और ये बहुत दुखद घटना है। भगवान इनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। यहाँ पे जो लोग कुछ बॉडी एटा पहुंची है, क्या हाथरस भी गई, अलीगढ़ भी और भी जनपदों में ये गए, क्या जानकारी प्राप्त कर रहे हैं? ये जानकारी अभी हमको नहीं है, ये अब हम यहाँ से बैठे कुछ नहीं बता सकते। और यहाँ पे 27 डेड बॉडी आई है, इनकी पंचायतनामा की कार्रवाई की हम व्यवस्था कर रहे हैं।